नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी एवरीडे विजय सर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा मैथ्स गणित कमज़ोर छात्रों के लिए मैथ्स सीखने का सुनहरा मौका। एकदम बेसिक से बताऊंगा, बेसिक का मतलब होता है जीरो से हाई लेवल। ये पार्ट टू है दोस्तों, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में मैंने जोड़ घटाना गुणा भाग बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट पार्ट जो आएगा आपका सेकंड, वो आपका बीज गणित से यानी चर और अचर राशियाँ के बारे में बताऊँगा। तो एकदम बेसिक से चीज़ें बता रहा हूं, तो आपने अपने बच्चे और फैमिली मेंबर को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और अंत तक जरूर देख के जाइएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो आज का चैप्टर दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जीरो से हाई लेवल की बात करेंगे। इसके बाद चार पांच चैप्टर मैं बेसिक पढ़ाने के बाद चैप्टर वाइज आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को हमारे चैनल को विजिट कर लीजिए, बेल आइकन आल को दबा दीजिएगा ताकि अगला जो आए उसको ऑन जरूर कर लेना। बेल आइकन आल को ऑन कर लीजिएगा, क्लिक कर लेंगे तो ऑन हो जाएगा, तो इनबॉक्स में आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों कि बीजगणित संक्रियाएँ की बात करेंगे, ठीक है। बीजगणित संक्रियाएँ की बात करेंगे, इसमें क्या है दोस्तों, दो होती हैं संक्रियाएं बीजगणित में। एक होती है चर राशियां वेरिएबल्स और दूसरी होती है अचर राशियां कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो पहले बात करेंगे चर राशियां की। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, तो उन्हें चर राशियां कहते हैं। किसे कहते हैं? ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, तो उन्हें चर राशियां कहते हैं। यानी जैसे ए बी सी हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, ए बराबर 5 लिख लेंगे, ए बराबर 7 लिख लेंगे, ए बराबर 700 लिख लेंगे। यहाँ यहाँ पर मान आपका क्या है, चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, बदल रहा है, यानी कि निश्चित नहीं है कि ए का मान 5 ही रहेगा, 7 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है। तो ए बी सी एक्स वाई जेड कोई भी आपका चर राशियाँ हो सकती हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, कोई कन्फर्म नहीं कि रहेगा, उसे क्या है, चर राशियाँ कहते हैं। अब बात करेंगे वेरिएबल्स कहते हैं, अब बात करेंगे कांस्टेंट यानी अचर राशियाँ। ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित तो होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशि कहते हैं। जिनका मान निश्चित हो, करेक्ट हो, स्थिर हो, ठीक है दोस्तों। ऐसे 1 2 3 5 है, ये आपके स्थिर रहेंगे, क्या है आपके स्थिर रहेंगे, क्या है अचर राशियाँ। कॉन्स्टेंट क्या है, एक आपका स्थिर रहेगा। ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं, अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 ही आपकी इससे रहेंगी, ये कहलाती हैं अचर राशियाँ, ठीक है। अब रूल देख लीजिए, रूल रूल बता रहा हूँ दोस्तों, रूल पहला रूल है, एग्जाम्पल आपको बता दिया गया है। तो अचर राशियों का रूल देख लीजिए, समान प्रकार की चर राशियों को, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन भैया असमान प्रकार की चार राशियों चर राशियां हो आपको, उसमें आपस में जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है। क्या है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। कैसे, देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल समान प्रकार के चर राशियाँ देखिए, a प्लस ए दिया है बराबर 2a हो जाएगा आपका, ठीक है। समान प्रकार के चर क्या होंगे दोस्तों, से a प्लस ए है बराबर 2a हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर 7a माइनस 3a दिया है तो आपका क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, ठीक है। यानी समान प्रकार की राशियाँ चर जो हैं आपके, 3a प्लस 2a बराबर 5a होगा, यानी a है ना सभी में, a क्या हो गया, चर हो गया, इसे हम जोड़ सकते हैं। 7a है माइनस 3a, इसे हम 4a लिख सकते हैं। 9a माइनस 5a है, इसे हम 4a लिख लेंगे, यानी इसे माइनस जोड़ा घटाया जा सकता है। समान प्रकार की चर राशियाँ हैं, a दोनों में है ना दोस्तों, समान हो गया ना, बिल्कुल समान हो गया, ठीक है। दो प्लेट हैं, दोनों में क्या है, सेवई बनी हुई है, सेवई रखी हुई, तो क्या हुआ, समान ही ना हुआ। इसी प्रकार a दिया, दोनों क्या हो गए, समान हो गए, ठीक है। तो समान क्या है, चर में जोड़ा और घटाया जा सकता है। बात करेंगे असमान की, असमान प्रकार के चर अगर दिए हैं, जैसे a प्लस बी, उसे सेम टू सेम लिख देंगे a प्लस बी उसी तरह से, लेकिन चर में 3a प्लस 2a दिया तो उसे 5a लिया गया था, लेकिन समान थे। यहाँ पर b भी दिया है आपका चर, 5a प्लस b दिया है तो 5a प्लस b हो जाएगा।
अगर 5A+5A ही होता तो आपका 10A हो जाता, लेकिन यहाँ पे चार आपको क्या असमान नहीं है, ए और बी दोनों क्या हो गए, असमान हो गए आपके, समान नहीं है, असमान दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, सेम टू सेम वही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों, समझ गए होंगे बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आ जाएगा, वीडियो अंत तक देखिए मजा आ जाएगा। ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी होगा, 3A-B करेंगे, 3A-B रहेगा, क्योंकि ये असमान चर राशियाँ हैं दोस्तों, असमान। जैसे 9A-5 किए थे, 4A आया था ना, ये समान चर थे आपके, लेकिन असमान यहाँ पर दिया है, 3A-B दिया है ना दोस्तों, ये ए और माइनस बी हो गया ना, 3A-B, तो B कहाँ से आ गया भैया, आसमान ना हो गया, ठीक है, तो ये आसमान हो गया, ठीक है, तो 3A-B ही लिखा रहेगा। समान वो होते हैं जो सेम टू सेम लिखा हो, ए ए है तो ए ही रहेगा। रूल सेकंड देखिए, सेकंड रूल, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा भाग नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए का मल्टीप्लाई गुणा बी से करेंगे तो ए बी हो जाएगा, डॉट ए डॉट बी, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। दोस्तों ये भी जान लीजिए, अगर आपकी चर राशियों में दो चर राशियां दी हो, बीच में कोई नहीं दिया ना, उसे क्या है, गुणा का ही मानेंगे। अगर ए बटे बी दिया है तो ए बटे बी ही लिखेंगे, ए और बी को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि ये असमान चर हो जाएंगे, समान चर को काटा जा सकता है। नोट देखिए, दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। जैसे मैंने पहले बताया अभी कि अगर ए बी दिया है, बीच में कोई नहीं दिया, तो उसे क्या है, गुणा का चिन्ह मानेंगे, ए डॉट बी मानेंगे, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई दोस्तों। ये मैं आपकी बीजगणित की बात कर रहा हूँ, ठीक है, चर राशियों की बात कर रहा हूँ। चर में अगर ए भी दिया तो बीच में गुणा का ही मानेंगे, मल्टी जैसे ही फॉर एग्जाम्पल देखिए, नीचे दिया हुआ है, ए का गुणा बी से गुणा सी से हुआ है ना, तो ए बी सी होगा बराबर, क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अगर ए बी सी दिया है तो समझ लिए ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी हो जाएगा, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, ठीक है। अगर ए बी दिया तो ए मल्टीप्लाई ए गुणा बी हो जाएगा, ए बी ए डॉट बी, ये तीनों समान है, चाहे आपका ए गुणे बी दिया हो, चाहे ए बी दिया हो, चाहे ए डॉट बी दिया हो, तो उसका मतलब गुणा ही होता है, ठीक है। तो नीचे आप एग्जाम्पल देख लिए होंगे, ए बी सी तीनों का एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, चाहे आप ए गुणे बी गुणे सी कर लें, या ए बी सी लिख लें, चाहे ए डॉट बी डॉट सी लिख लें, ये तीनों का मतलब गुणा ही होता है दोस्तों, चर राशियों की बात कर रहा हूँ। रूल तीसरा देखिए, थर्ड रूल देखिए, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। क्या नियम है भैया, नियम बताइए। चलिए अब हम आपको नियम बता रहे हैं, यदि आधार बराबर हैं तो गुणा करने पर घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यदि आपके आधार बराबर हैं तो गुणा करने पे क्या करेंगी, घाते जुड़ जाएंगी। कैसे भैया, आधार मतलब क्या होता है, पेड़, तला, नीचे, जड़ का हिस्सा। आपका आधार क्या हो गया, पैर हो गया ना, तो नीचे क्या है, ए हो गया, ए आपका आधार पैर हो जाएगा, उसकी घात एक्स दिया है, मल्टीप्लाई ए की पावर वाई दिया है, आधार बराबर है, पैर आपके बराबर हैं, ए दोनों बराबर हैं, तो घाते क्या होगी, जुड़ जाएंगी। यदि आधार बराबर तो गुणा करने पर घाते जुड़ जाती है, तो ए की पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ए की पावर 5 गुणे ए की पावर 2 दिया हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा, ए की पावर 7 हो जाएगा। क्या होगा, अगर आधार बराबर हैं तो घाते जुड़ जाएंगी, 5 2 7 हो जाएगा। सेकंड देखिए एग्जाम्पल, ए की पावर 7 दिया है, मल्टीप्लाई ए की पावर 5 दिया है, भैया आधार बराबर है ना, ए ए दोनों में सेम है, यानी कि लगभग सेम है, लगभग कहकर भैया पूरा सेम है, ए दोनों है ना, 7 और 5 क्या होता है, 12 होता है, तो ए की पावर 12 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नोट देख लीजिए, नोट क्या दिया है, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। क्या है, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। कैसे भैया, ये कैसा हुआ, बिल्कुल सही है। जैसे 2 गुणे 2 दिया है तो बराबर 2 की घाते 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए 2 की पावर कोई कुछ नहीं दिया, 1 घात मानेंगे,
दूसरे में 2 की पावर 1 घात मानेंगे, एक एक को जोड़िए क्या हो जाएगा, घाते 2 हो जाएगी, 2 दूनी 4 आएगा ना, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 ही ना आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, 1 का गुणा a से किए, 1 का मल्टीप्लाई a से हुआ, कुछ नहीं ना ऊपर, तो 1 माना जाएगा, घात की संख्या का 1 मानी जाएगी। आधार बराबर हैं, घाते क्या होगी, जुड़ जाएंगी, 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई a से करेंगे, a स्क्वायर ही होता है ना दोस्तों, पढ़े होंगे आप बिल्कुल पढ़े होंगे कि 1 का स्क्वायर होता है 1 का मल्टीप्लाई ए से, तो इसमें क्या होगी, घातें जुड़ती हैं। अब देखिए दूसरा, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। जैसे ए की पावर एक्स दिया है, बटे ए की पावर वाई दिया है, फिर बराबर क्या है भैया, माइनस कर दिए, कहे आधार बराबर है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे संक्रिया किसकी हो रही, भाग की हो रही है, तो घाते क्या होगी आपकी, घट जाएंगी, यानी कि ए की पावर क्या हो जाएगा, आधार वही रहेगा, घाते घटेंगी, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। जैसे ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई है, आधार लिखेंगे और घात को माइनस कर देंगे, एक्स माइनस वाई लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दिया फटाफट, हमारे चैनल को विजिट कर लीजिए और अपने बेल आइकन और घंटे को ऑन रखिए, इनबॉक्स में आपको आ जाए। फॉर एग्जांपल देखिए फटाफट, a की पावर 7 बटे a की पावर 2 दिया है, 7 माइनस 2 कर लेंगे, a की पावर 5 आएगा क्योंकि आधार समान है, आधार लिखेंगे और घातों को माइनस करके लिख देंगे, घटा के a की पावर 5 आ जाएगा, 7 में 2 माइनस करेंगे, 7 में 2 घटा दीजिए, 5 आ जाएगा। दूसरा देखिए, 1 की पावर 18 दिया है, बटे में 1 बटे 16 दिया है, भाग की संक्रिया हो रही है यहाँ पर, बटे यानी भाग, आधार ए है ना, तो ए लिखेंगे और 18 में 16 घटा दीजिए, 2 आ जाएगा, आप 2 आप आंसर लिख सकते हैं, तो 18 में 2 माइनस करेंगे क्या आ गया, 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद कर दो सारा कुछ समझ में आ रहा हो दोस्तों, समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सभी अपने फैमिली मेम्बर को शेयर करिए, अपने स्टूडेंट हो, बाल बच्चे जो भी हो, आपके हो बच्चे हैं उनसे, मैथ्स में बेसिक कमज़ोर हैं, वीक है, तो उनको शेयर कर दीजिए, उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए, और जितने भी पार्ट है ना, इसका पहला पार्ट है उसको भी दिखाइए, जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है, उसमें बताया गया इसमें आपको क्या बताया जा रहा है। जैसे 1 की पावर 7 दिया है, बटे की b की पावर 5 दिया, भैया यहाँ पे चरों की बात कर रही है, चर समान चर की बात हो रही है, समान चर में घाते जुड़ेंगी, माइनस होगा, ठीक है, लेकिन ये असमान हो गया ना, 1 की पावर 7 बटे b की पावर हो गया 7, तो असमान हो जाएगा, असमान में नहीं होगा, ये समान चर की में होगा, जोड़ घटाना गुणा भाग समान चर में होता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। भैया कोष्टक खोलेंगे तो आपका घात से घात का गुणा होगा, कैसे, जैसे ए की पावर एक्स है, उसकी पावर वाई है, तो क्या कह रहा, कोष्टक खोलेंगे तो घात के पावर घात, मतलब ए की पावर क्या है, एक्स है, इसकी घात क्या है, वाई है, यानी एक्स वाई है, तो क्या हो जाएगा, आधार ए है, ए लिखेंगे, एक्स डॉट वाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए की पावर क्या हो जाएगा, एक्स वाई, यानी घात से घात का गुणा हो जाएगा, ए की पावर एक्स वाई हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, a की पावर 3 दिया है, a की घात 3 है, फिर पूरे की घात 2 है, तो क्या कह रहा है, कोष्टक खोलेंगे तो घात का घात गुणा हो जाएगा, यानी 3 गुणे 2 हो जाएगा, यानी a की घातें 6 हो जाएगी, ठीक है, a की पावर 3 गुणे 2 करेंगे तो a की घातें 6 हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा, इससे आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों आप भाग्यशाली हैं, आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, बेसिक चीज़ें कोई नहीं बताता है, इसके बाद 4-5 जो भी आपके बेसिक बताने के बाद मैं मैथ्स चैप्टर वाइज शुरू कर रहा हूँ, इसके पहले भी मैं 150 वीडियो लगभग बना चुका हूँ, हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पहला देखिए, देखिए मंझला कोष्टक दिया हुआ है, फिर उसके अंदर एक छोटा सा कोष्टक है, -2 की पावर -2 की पावर 2 दिया है, भैया बहुत बड़ा लंबा पहाड़ है ये, बहुत बड़ा लंबा पहाड़ है, क्वेश्चन है, देखिए -2 की पावर 4 कर लेंगे, 4 कैसे, -2 की पावर -2 करेंगे, 4 आएगा, वो भी प्लस का आएगा, पहला वीडियो देखे हैं तो समझ में आ गया, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस आता है, ठीक है, तो -2 की पावर 4 हो गया। देखिए कैसे, अब -2 की पावर 4 दिया है, यानी कि -2 का गुणा 4 बार होगा, घात का मतलब होता है उतने बार गुणा उसी संख्या का, तो -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 16, 16 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपकी ऋण जो है ना दोस्तों समान से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस में आता है, पहला वीडियो देख लीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए। ठीक है, तो आपका ये 16 इसका आंसर आ गया, समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को विजिट कर लीजिए और घंटे को दबा दीजिए, उसको ऑन रखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा? भैया 2 गुना पूछ रहा है, 2 गुना का मतलब 2 का गुना, 2 का गुना कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई, 2 की पावर 50 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, यानी 2 की पावर 50 × 2 की पावर 1 हो जाएगा। आपको बताया गया था अगर घात ना दिया हो उसकी घात 1 मानी जाएगी, तो क्या करेंगे, उसकी घात 1 है, आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर 50 और 2 की पावर 1 है तो 50 और 1 कितना होता है, 51 होता है, आधार बराबर हैं, घातें जोड़ के 2 की पावर 51 यानी 51 लिख लेंगे, 2 की पावर कितना होगा, 51, ये आपका आंसर आ जाएगा। मज़ा आ गया हो दोस्तों, वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा? भैया सोल्यूशन देखिए, 2 की पावर 25 का 4 गुना पूछा है, मतलब 4 का मल्टीप्लाई होगा। अब हमें यहाँ पे आधार बराबर करेंगे तब घातें जुड़ेंगी। अब दोस्तों आधार बराबर करने के लिए 4 को क्या हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर कर लिए तो क्या करेंगे, घात को अब जोड़ देंगे, पढ़े ना, आधार बराबर होंगी तो घातें जुड़ेंगी, तो 4 को 2 की पावर 2 कर लिए, आधार आपके बराबर हो गए। अब देखिए पावर क्या है, 25 और 2 है तो क्या करेंगे, आपको दोनों को प्लस कर लीजिए, प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो क्या आंसर सही है, बिल्कुल सही है, यानी 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या हो जाएगा आपका, 2 की पावर 27 निकल के आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 4 की पावर 25 का 8 गुना क्या होगा? सोल्यूशन देखिए, अब यहां पे आपको आधार बराबर करना है, ठीक है, तभी आपके घाते प्लस हो जाएंगे। आधार कैसे बराबर करेंगे, चलिए फटाफट देखिए, 4 की पावर 25 और मल्टीप्लाई 8 किया गया है ना, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, 2 की पावर 2 की पावर 25 लिख देंगे, ठीक है। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 ना हो जाएगा, बिल्कुल होगा, 2 की पावर 3 लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब भैया देखिए दोनों में आधार बराबर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, फटाफट हो रहे हैं भैया, आधार बराबर आपका आंसर आ गया। आधार बराबर मतलब घातें क्या होगी, जुड़ेंगी। अब देखिए पहले में क्या है, अगर घात के ऊपर घात दिया हो तो घात का क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है, तो 2 की पावर 50 हो जाएगा, आप नियम पढ़ चुके हैं, रूल पढ़ चुके हैं। फिर क्या है, 2 की पावर 3 दिया, 2 की पावर 3 लिया, अब देखिए आधार क्या हो गए, बराबर हो गए, बेस आपका बराबर हो गया, तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएंगी, आपस में जोड़ दीजिए, आधार लिखेंगे जो आपका दिया है, आधार लिखने के बाद घात को जोड़ देंगे, 50 3 करेंगे, 53 आ जाएगा, आपका आंसर आ गया। वीडियो पसंद हो लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब बात करेंगे रूल नंबर ऑफ 4, रूल नंबर 4 देखिए, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता है। भैया असमान घात वाले हैं, उनका समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं करेंगे। भैया आप तो बात कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश को मिला देंगे, वो मिलेगा नहीं भैया, हिंदी इंग्लिश आपका लैंग्वेज अलग ही रहेगा, वैसे ही यही है, यानी एक्सी घाते 5 है और एक्स स्क्वायर है, तो क्या होगा, एक्सी घाते 5 और स्क्वायर ही होगा, क्योंकि घातें आपकी असमान हैं, घात आपकी असमान है, तो चरों का जोड़ क्या घटाना नहीं किया जा सकता, सेम लिखा रहेगा। आप सोचें x^5 का मल्टीप्लाई अगर एक्स स्क्वायर हो तो आप x^7 लिख सकते हैं, लेकिन चरों का मल्टीप्लाई हो सकता है, उसमें घातें जुड़ जाएंगी, लेकिन जोड़ घटाना नहीं किया जा सकता। अगर घातें समान हैं तो कर सकते हैं, अगर समान है जैसे नीचे देखिए x^5 + x^5 दिया है ना, तो इसमें क्या आधार जुड़ जाएंगी और घात सेम लिख देते हैं, जैसे 2x^5, लेकिन असमान घात दिया हो और उसमें आपके पूछा जाए कि जोड़ और घटाना, तो आपका सेम लिखा रहेगा, असमान घात वाला जो आपके क्वेश्चन है वही आपका आंसर होगा।
जैसे x^5, x^2, x^7, x^3 दिया ना, तो सेम वही लिख जाएगा, उसका आंसर होगा। लेकिन घातें बराबर हो तो आधार जुड़ जाएंगी और घात सेम रहता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अपने बेल आइकन को ऑन करके जाइएगा आज, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो आए आपको पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है, इनबॉक्स में आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। वहाँ पे जाना है, हमारा चैनल है उसको विजिट कर लीजिए, या हैच स्टडी एवरीडे सर्च कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैं विजय जायसवाल आज के वीडियो में यहीं पर बात करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, बेसिक बताऊँगा आपको। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंदुस्तान, इस वीडियो से विदा लेता हूँ, कल फिर इसी टाइम पर आपको मिलूँगा अगले चैप्टर पर।